आफ्टरनून, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। तो हम लोग आज का लाइव शुरू करते हैं शाहरुख खान की न्यू मूवी जो आ रही है पठान, पठान को लेकर। सबसे पहली बात तो पहला वर्ड जो मेरा होगा, पठान मूवी को बायकॉट करें, थिएटर में देखने ना जाएं। अगर हाँ टेलीग्राम और कहीं ऐसी जगह पर मिल जाए तो उसको देखने और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लेकिन आप थिएटर में एकदम कतई ना जाएं पठान मूवी को देखने के लिए। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया दीपिका पादुकोण की सॉन्ग जो है उसमें इतने गंदे तरीके का जो बिहेवियर उसका, प्लस गाने का नाम बेशरम रंग, और जो कपड़ा है भगवा, मतलब उनके हिसाब से भगवा रंग बेशरम है, बेशरम रंग है, तो कतई ना देखने का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत ही बेकार मूवी एकदम से, तो थर्ड क्लास मूवी शाहरुख खान की है। बायकॉट कर इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों में, सबको बोले कि थिएटर में देखने कोई भी न जाए। अगर उनको टेलीग्राम पे और कहीं व्हाट्सएप पे मिल जाता है लिंक तो देख लें और उस मूवी को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए वैसे हम लोग आज घर से जा रहे हैं 80 और 80 पे अभी हम लोग लाइव करते हुए ही जाएंगे आगे। तुम शाहरुख खान मूवी के बारे में बताओ। आप लोगों को सभी को एडवांस में मैरी क्रिसमस। काफ़ी तैयारियां चल रही हैं शहर में। अभी देख रहे हैं लोग कितना घूमने निकले, कितना ट्रैफिक है। और आज फ्राइडे है और ब्लॉकबस्टर है, मगर आने वाली फिल्म है पठान। तो जैसे कि आपने भी ट्रेलर देखा होगा, गाना देखा होगा, तो काफ़ी चर्चा में इस समय पठान है। और हमारे भगवा रंग को, भारतीय रंग को ऐसा कहा गया है, तो कृपया इसको बॉयकॉट करें, ना देखने जाएं। मतलब इसमें सनातन धर्म को लेकर ऐसा दर्शाया गया इस गाने में कि भगवा रंग जो है बेशरम रंग है इनके हिसाब से। हैं शाहरुख खान साहब, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बहुत सीनियर एक्टर हैं, लेकिन उनको खुद से समझना चाहिए कि जिनके सालों की औकात नहीं है, जो चंद पैसों के लिए स्टेज पर आर्केस्ट्रा में जाकर नाचते हैं साले, उन लोग सनातन धर्म की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। शाहरुख खान तुमको अच्छे से समझा दिया जाएगा इस बार कि बायकॉट किसे कहते हैं। उसने एक इंटरव्यू में बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा फर्क तो पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी नैया डूबेगी ना तुम्हारी पठान मूवी को लेकर कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, कतई न जाएं पठान मूवी को देखने के लिए। टेलीग्राम पे आपको पहले दिन सर्च कर लेंगे पठान मूवी, टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएगा आपको। जो मूवी का पैसा आप देखने थिएटर में जाएंगे, बल्कि उस पैसे से किसी गरीब का कल्याण कर देंगे। जिस हिसाब से दीपिका पादुकोण ने अपना गंदा बिहेवियर सॉन्ग के साथ किया है, शायद आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका जो व्यवहार किस टाइप का है सॉन्ग। लेकिन थर्ड क्लास की मूवी है, मुझे पता है ये थर्ड क्लास की, एकदम थर्ड क्लास की है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, धारणा इस बारे में भी रिव्यू करेगी। और बोलो जी, बनारस में माहौल क्या बताओ। देखिए बनारस में इस समय माहौल है क्रिसमस का, क्रिसमस पार्टी लोग सेलिब्रेट करने का माहौल बना रहे हैं। और सभी लोग कुछ ना कुछ पार्टी, सारी चीज़ें। ऐसे मैं शाहरुख खान के बारे में एक चीज़ कमेंट ज़रूर करूँगी। अभी गए थे मक्का मदीना, तो बड़े अपने धर्म को, धर्म के हिसाब से सारा काम किया उन्होंने, मगर सॉन्ग में भी सनातन धर्म को प्रमोट किए होते ना, तो शायद सारे हिंदू भाई भी देखने जाते, सनातनी देखने जाते, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, तब उनको ध्यान नहीं रहा, वो भी कोई धर्म है, कोई चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर्स ने तो एकदम धर्म के नाम पे एकदम सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं, और दिखाते हैं कि हमसे अच्छा, हमसे घनिष्ठ मित्र आपका कोई नहीं है, कभी कुछ हो जाए तो ये सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। सारे बॉलीवुड के भांडों ने साला सनातन धर्म का मजाक बना के रख दिया एकदम। इनको बायकॉट करना जरूरी है, इनको उनकी औकात बताना जरूरी है कि साले तुम्हारी औकात है ना सिर्फ पैसे लेके नाचने भर की है। जिस हिसाब से पठान मूवी में भगवा रंग को दिया गया है बेशरम रंग, दीपिका पादुकोण ने अपना नंगा नाच दिखाया उसमें, बाकी उसका हस्बैंड जो साला वो रणवीर सिंह है वो तो ऐसे चूतिया साला कुछ भी कपड़े पहन घूमते रहता है, उसकी बीवी ऐसी होगी इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों बाइकआउट करें पठान मूवी का, क्या है इसकी मूवी पठान को बाइकआउट करें दोस्तों। सारे दोस्तों अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें इस वीडियो को, जो वीडियो हमारा देखेगा लाइव में उसको पता चल जाएगा भगवा रंग को, जिस तरह से सनातन धर्म को किया गया है मूवी में पठान में। थर्ड क्लास की मूवी है, साले बुढ़ा हो गया शाहरुख खान, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही
कि किसी से किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए। चलो तुम बनारस में बताओ कैसा माहौल है पठान मूवी का। भाई जो शाहरुख खान के फैन है मैं उनके लिए उनको डिसहार्टेड नहीं करूँगी कि शाहरुख खान ऐसा है, मगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए था किसी धर्म को लेके, जिस पर काफ़ी मीडिया काफ़ी चीज़ें चर्चा में है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि अभी हर जगह इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस और सारी चीज़ें चल रही हैं। तब ऐसा काम करने का मतलब क्या है, इतना हाईलाइट होना था, हाईलाइट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ अच्छा काम करोगे तो भी हाईलाइट होंगे, मगर ऐसा काम करके पहले तो बेटे के कारण वर्कआउट हो ही रहे थे, अब और हो गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप देखने ना चाहें, मगर आप भी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। मैं हम ऐसी अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं कि आप एकदम नफरत करने लगे शाहरुख खान से। ये वीडियो आप फेसबुक अंकल लोग फेसबुक पेज से देख रहे हैं और सेम वीडियो आप यूट्यूब चैनल अंकल लोग चैनल पे भी देखेंगे। तो हमारा बस पर्पज है सनातन धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सारे धर्म अपनी जगह सही है, मगर धर्म धर्म को लेके ये काम करना ये अच्छी चीज नहीं है। बहुत सारे मेरे इस्लामी दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, ईसाई दोस्त भी हैं। मैं कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला हूँ, किसी मुसलमानियत के खिलाफ नहीं बोला हूँ, लेकिन आप हमारे धर्म को अगर ऐसा कर रहे हो तो हम भी बोलेंगे ही आके लाइव में आके। अगर ये वीडियो आप अंकल लोग को फेसबुक पेज भी देख रहे हो और अंकल लोग के यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे वीडियो को, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, मेरा पर्पज ये है बाइकआउट करें पठान मूवी को, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें और ट्विटर पर ट्रेंड करें बाइकआउट बाइकआउट पठान मूवी बाइकआउट लिखते हैं। चलो वो सिर्फ इसलिए बॉयकॉट शाहरुख खान नॉट बॉयकॉट, बट धर्म को लेकर जो काम किया है उसको हम उसके लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि धर्म पे इतना चीज़ें नहीं लेके चलनी चाहिए थी, क्योंकि हर धर्म के लोगों के लिए अपना धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दो चीज़ आप देख सकते हैं, एक तो पठान मूवी का बाइकआउट के बारे में रिव्यू भी देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप बना रहे हैं एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मतलब वीडियो देखते भी रहिए एक्सप्लोर भी करते रहिए और पठान मूवी के बारे में सुनते रहिए क्या चीज़ कहा गया, कैसे किया गया उस वीडियो, कैसे शूटिंग हुई है, सारी चीज़ को लेकर बताओ। देखिए अभी हम बेलूपुर एरिया में हैं और 80 की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, वो इसका रीज़न है कि 25 तारीख बहुत नज़दीक है, 23 तारीख है, अगले एक दिन बाद ही क्रिसमस है, तो उसका सेलिब्रेशन उसकी तैयारी सारी चीज़ें चल रही हैं, और आज हम बहुत दिन बाद निकले हैं क्योंकि आज ऑफिस तो ऑफ लिया हुआ है, और थोड़ा एक्सप्लोर करने निकले हैं। आप सभी का वेलकम है बनारस में, आप कभी ना कभी ज़रूर आइए काशी बनारस में, जो कि भारत के एक उत्तर प्रदेश में है, बाबा की नगरी बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर ज़रूर घूमने आइए। हम ये नहीं कहते कि धर्म से इसका मतलब है कि धर्म है धर्म के ही लोग जा सकते हैं उस मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं, जो आए बाबा उसको अपना दर्शन देते हैं। जल्दी देख के नहीं चला रहे हो कि हाँ दिक्कत है। अब देखिए हम भेलूपुर एरिया में से क्रॉस करके ये आ गया शाकुमरी कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी ऑफिसेज की शॉप हैं, अरे ऑफिसेज हैं सॉरी, और हम अभी रविंद्रपुर एरिया में आएंगे, आप देख सकते हैं अमूल की ये शॉप है। बनारस जब भी आए एक बार हमें उस पेज के द्वारा ज़रूर बताएं कि आप बनारस आने वाले हैं, तो
आपका एकदम बहुत बहुत स्वागत है कि हम भी आपसे मुलाकात करें, हम भी आपसे मिलें कि आप किस शहर से, किस देश से आ रहे हैं, आपसे मिल सकें। बस दोस्तों पर्पज को निकला था, पर्पज हमारा समझ गए, टाइटल देख के समझ गए होंगे, थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं हम रविंद्रपुरी एरिया में हैं और बहुत नज़दीक है अस्सी के, वो अभी हम एंड